हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मार्स ट्रांजिट इन वर्गो फ्रॉम 6 सितंबर 2021 टू 22 अक्टूबर 2021। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंगल का गोचर वर्गो साइन में 6 सितंबर 2021 से लेकर 22 अक्टूबर 2021 तक। आज सबसे पहले बात करेंगे लिब्रा सैंडर्स की। लिब्रा सैंडर्स आपके लिए ये ट्रांजिट 12th हाउस में होने जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स विल इरिटेट यू। आपके सेविंग्स में और आपके खर्चों में अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आएगा, हेल्थ आपकी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, घर में किसी पे हॉस्पिटलाइजेशन पे पैसा खर्च हो सकता है, बीमारी ठमारी पे, दवाइयों पे पैसा खर्च हो सकता है। ये सारा समय आपको ज़रूरत है अपनी हेल्थ का, अपने वेल बींग्स का ध्यान रखने की। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने वे ऑफ टॉकिंग को संभाल कर इस्तेमाल करें, किसी के साथ गलत अल्फाज ना किसी के साथ यूज़ करें। और ये सारा समय आपके लिए कुछ आपको हर्डल्स का सामना, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस का सामना आपको करना पड़ेगा। ब्लाइंडली रिस्क ना लें, किसी पे अंधा विश्वास ना करें, किसी को अपने डॉक्यूमेंट साइन करके ना दें। ये सारा समय आपके लिए कुछ उलझने, कुछ मानसिक परेशानी लेकर आ सकता है। लिब्रा, आपको जरूरत है सोच समझ के स्टेप उठाने की। अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो इस ट्रांजिट में ना करें। अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इस ट्रांजिट में ना करें। अगर किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इस ट्रांजिट में ना करें, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगी। आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको जरूर कुछ प्रॉफिटेबल डील्स मिल सकती हैं या प्रॉफिट्स मिल सकता है, जो कि विदेश से संबंधित हो तो, या फॉरेन से रिलेटेड कुछ आपके टाई अप बेटर हो सकते हैं। फॉरेन जाना आना हो सकता है, या फॉरेन में आप सैर करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए जा सकते हैं। बट ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स लेकर आने वाला है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडर्स। आपके लिए मंगल का गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव एक ऐसा भाव है जहां पर कोई किसी भी प्लैनेट का उच्चता नीचता नहीं होती। 11th हाउस में प्लैनेट का गोचर करना या 11th हाउस में आपके बर्थ चार्ट में किसी प्लैनेट का होना ही बहुत बड़ी बात है। तो 11वें भाव में मंगल का गोचर लगन लॉर्ड होकर 11th हाउस में जाना, तो आप ये समझ के चलें कि अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको होने वाले हैं। फ्रेंड्स से आपको सपोर्ट मिलने वाली है, हेल्थ आपकी फाइन रहने वाली है, हर लिहाज से आपको तरक्की मिलने वाली है। ये सारा समय आपके लिए आपकी इच्छा पूर्ति को लेकर बहुत बढ़िया है, आपकी हेल्थ आपकी वेल्थ को लेकर बहुत बढ़िया है, आपकी सेविंग्स को लेकर बहुत बढ़िया है। ये सारा समय आपके लिए आपको इच्छा के मुताबिक रिजल्ट्स मिलेंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, मल्टीपल सोर्स से आप पैसा कमाएंगे, आपके एल्डर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारा समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जिसमें बहुत पॉजिटिविटी का सामना आपको करना पड़ेगा। और इस सारे समय में आपको हर लिहाज से सक्सेस मिलेगी। वर्क प्लेस पे आपकी वाहवाही होगी, आपकी बल्ले बल्ले होगी और आपका नेम फेम बढ़ेगा। इस सारे समय में ओम सीताराम च हनुमते नमः, ओम सीताराम च हनुमते नमः, ओम सीताराम च हनुमते नमः का मंत्र जाप करें 108 टाइम, 121 टाइम, 151 टाइम। जितना हो सकता है हनुमान चालीसा का रोज रात को उच्चारण करें, संकट मोचन का उच्चारण करें। जितना ज़्यादा भगवान हनुमान जी की भक्ति करेंगे, जितना ज़्यादा मंत्र साधना करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए टाइम प्रोडक्टिव रहेगा। गुड फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे, ब्रदर्स की, दोस्तों की, सोशल सर्कल की सपोर्ट आपको मिलेगी। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।